साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास यादव के सेफ्स ऑफ जर्नी के बारे में। विकास यादव जो सेफ्स ऑफ के जाने माने हस्ती है और जिन्हें लोग प्यार से टाइगर बुलाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत ही इंस्पायर करेगी और अगर आप सेफ्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो और आपका भी एक सपना है कि हम डायमंड बने, तो कमर की पेटी बांध कर ये वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 2009 की है, जब विकास यादव के माता पिता विकास यादव से कहते थे कि बेटा पढ़ो लिखो, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो सरकारी नौकरी करोगे और जिंदगी बहुत शान से कटेगी। हर माँ बाप जैसे विकास यादव के माँ बाप ने भी उसे समझाया और विकास यादव को बचपन से आदत है, कोई उसे समझाता है तो बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए उन्होंने माँ बाप के कहे अनुसार मन लगाकर पढ़ाई की और 16 साल की उम्र में सरकारी जॉब में चले गए। और वो जॉब कोई साधारण जॉब नहीं थी, आर्मी की जॉब थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो दुनिया में कुछ बड़ा करने आया है उनको छोटे काम पसंद नहीं आता, इसीलिए उन्हें भी आर्मी बनकर संतुष्टि नहीं थी और कुछ बड़ा करने का शौक था। जॉब तो अच्छी थी, शान की थी, लेकिन एक चीज वहाँ पर उन्हें अच्छा नहीं लगती थी, जब कोई सीनियर आर्मी वाले उन्हें बोलते थे ओए इधर आ, उनकी उंगली ऐसे लगती थी जैसे कोई तलवार है। इसलिए वे ढूंढ ही रहे थे कि कुछ मिलना चाहिए, कुछ करना चाहिए और इन साले लटूरों से छुटकारा चाहिए। माँ बाप का सपना था कि विकास सरकारी नौकरी करे, लेकिन विकास को कुछ अपना भी बड़ा करने का ड्रीम था। ये कमरे के अंदर के मर्द नहीं, बाहर के मर्द थे। खून में उबाल था कि वे भी किसी को उंगली दिखाए, क्योंकि इनका भी नाम विकास यादव था। ठीक ऐसा ही हुआ। 2009 में उन्हें बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। प्लान तो समझ में नहीं आया, लेकिन प्लान देखने के बाद उन्हें लगा कि अगर हम इसमें सफल हो जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा लेंगे। इसलिए उन्होंने अपना डाटा फॉर्म फिलअप करवाए और प्रश्न किए अब इसमें करना क्या होगा, क्योंकि उनका ड्रीम बहुत बड़ा था। जीवन में उसने अपने पापा को मेहनत मजदूरी करते हुए बहुत नज़दीक से देखा था। पैसे के वैल्यू क्या होती है इस चीज को बहुत अच्छे से जानते थे। वो चीज उन्हें इस बिजनेस में दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, कोई भी आदमी नए काम करने से पहले किसी न किसी का सलाह जरूर लेता है, इसलिए विकास यादव ने भी अपने दोस्त यारों से सलाह लिया। हालांकि वे बिजनेस को ज्वाइन तो किए, लेकिन कुछ समय बाद किए। दोस्तों, बात करें इनकी बैकग्राउंड की, तो इनकी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी थी, सरकारी नौकरी था, आम आदमी की भाषा में बोले तो लाइफ सेट थी। फिर भी इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद इन्हें बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन बिजनेस क्यों करना चाहिए ये बात इनको तब समझ में आई जब वे एक इंसान से मिले जिनका नाम था जसवीर सिंह। उन्हीं से मिलने के बाद इनका FIM हुआ, जिनको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और उन्होंने इसे बताया कि तुम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो और कहां से कर सकते हो, और जो तुमने सरकारी फौज में नहीं कमा सका वो यहां से 4 से 5 साल में कमा सकते हो। तो इन्होंने काम करना शुरू किया, प्लान किया, फॉलोअप किया और मात्र 2 दिन के अंदर 7 ज्वाइनिंग की, और काम करते करते कुछ ही दिनों में 250 की टीम बन गई। लेकिन अभी तक इन्होंने किसी को डायमंड बनते हुए नहीं देखा था। फिर एक दिन विकास यादव के गुरुजी, जिनका नाम जसवीर सिंह था, उनका कॉल आया और वे बोले कि विकास जी, आगरा के अंदर डायमंड शिप होने वाली है, आपको अपने टीम के साथ चलना होगा, क्योंकि वहां चलने के बाद आप अपनी आंखों से डायमंड बनते हुए देखेंगे। दिन था 25 दिसंबर 2009 जब इन्होंने अपने आंखों से डायमंड बनते हुए देखा, और वहां इन्होंने कसम खाई कुछ भी हो जाए मरने से पहले डायमंड तो जरूर बन के दिखाएंगे। और जिनका डायमंड शिप हो रहा था वो कोई और नहीं, सेफ्स ऑफ के बहुत बड़े फाउंडर लीडर जिनका नाम माधव सिंह है, उनका ही सेलिब्रेशन था। वहां से लौटने के बाद काम करते चले गए
टीडी निकालते चले गए और एक वो दिन आ गया जब इनका भी टीम 10,000 का हुआ। अगर आप सेफ शॉप में हो तो आपको पता होगा कि 10,000 टीम होने के बाद क्या होता है। जी हाँ, आदमी डायमंड बन जाता है। तो इनका भी डायमंड सेलिब्रेशन हुआ, वे भी डायमंड बन गए। और बात करें आज की, तो आज इनकी लाइफ आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको सेफ शॉप में एक अच्छे लीडर बनना है, अपने लेवल को जल्दी अचीव करना है, हर समय मोटिवेट रहना है और जल्दी सफल होना है, तो ये चीज़ एक ही जगह आपको मिल सकती है, सिर्फ इसी YouTube चैनल पर। इसलिए आप ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करें, और अगर ये फ़ायदा अपने टीम को देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी टीम में शेयर कर दें। धन्यवाद।